वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टीवी पर दिल से स्वागत है। आप खुद देख सकते हैं मैं इंडिया माँ के बेटे हिमाचल प्रदेश शिमला स्टेशन पर हूँ, और यहाँ पर भी मुझे उन सारे गृह माँ के बेटों की याद आ रही है जिनके सपने यूके विदेश में बस कर अपने माँ को नई जिंदगी देने के लिए। जी हाँ, आज मैं उनके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। उनको बताना चाहता हूँ वो किस तरह यूके में 2 साल का वर्क वीज़ा ले सकते हैं और विदाउट एनी जॉब ऑफर और यूके में कैसे सेटल हो सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको ये बताएगा कौन सा एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है और कितने एडवांस अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, अगर हो सके चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। मैं पहला यूट्यूबर हूँ जिसका 18 ईयर एक्सपीरियंस है और भाग भाग कर इवन शिमला हॉलीडे भी इंजॉय कर रहा है, और यहाँ भी उसको फिक्र है उस गरीब माँ के बेटे की जिसको सपना है विदेश में बस कर अपने माँ बाप को नई जिंदगी देने के लिए। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक डिटेल में। जी हाँ, इसको बोलते हैं यूथ मिलिट्री स्कीम। जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं ये वीज़ा भी शुरू होने नहीं जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये होम ऑफिस की वेबसाइट की न्यूज़ है। जैसे ये न्यूज़ थी ग्रेजुएट रूट के लिए 2 साल पहले कि आप सबको मिलेगा ग्रेजुएट रूट 2 साल का, तो वैसे ये न्यूज़ आई है। टाइम लगेगा पर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हो और कौन का एलिजिबल है। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे इसके लिए एक एज स्पेसिफिक है जिसको बोलते हैं, ये था एक तरह से हॉलीडे मेकर वीज़ा होता था पहले, जो कि मेरे चैनल पर वकील ने बताया है। बताना चाहूँगा ऑडियंस को, ना मैं वकील हूँ ना एजेंट हूँ, मैं वही शेयर कर रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में है, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट बाइबल की तरह है, और प्लस अपना 18 एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीज़ा उन लड़का लड़की को मिलेगा जिनकी एज 18 से 30 साल की है, और इसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि आपको मेंटेनेंस भी फंड भी होने चाहिए 28 डेज। जी हाँ, अगर आप जाओगे यूके की वेबसाइट गवर्नमेंट पर, अगर टाइप करो T5 पर, आप कहोगे गैरी सर वहाँ पर इंडिया का भी नाम नहीं पर बाकी कंट्रीज़ का नाम है, तो मैंने वहाँ पर गया, मैंने देखा, और इसके लिए चाहिए मेंटेनेंस फीस 2530, मतलब कि आपके अकाउंट में 2.5 लाख होना चाहिए और इसको 28 डेज, और बैंक से आपको सर्टिफाइड भी करना पड़ेगा। तो एक क्या होगी, एक एज, एक होगी मेंटेनेंस फंड्स आपके पास होने चाहिए, और इसके लिए आपके पास एक टीवी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग इंडिया से आ रहे हैं ये सिर्फ उनके लिए खुला, इंडियन नेशनैलिटी के लिए, जिनमें इसमें डील है कि 2 साल यूके के लोग इंडिया जाकर काम कर सकते हैं और इंडिया के लोग 2 साल यूके आकर काम कर सकते हैं विदाउट जॉब। और ये कोटा बेस्ड है और यहाँ पर सिर्फ आपको 3000 सीट्स मिलेंगी। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे थ्रू गवर्नमेंट यूके वेबसाइट, जो कि आपको यूके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है वीज़ा, उनको ये वर्क वीज़ा मिलेगा 2 साल का, और 2 साल में आप घूम भी सकते हो, हॉलीडे भी कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। तो इसके लिए एक टीवी टेस्ट है, आपको पासपोर्ट चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हो, आपको एजुकेशन ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, और मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको मेंटेनेंस दिखाना पड़ेगा 2530 पाउंड, जो कि 2.5 लाख के बराबर है, और इसके अलावा आपको NHS के सर चार्जेस जो कि 2 साल के हैं वो पे भी करने पड़ेंगे। तो गाइस इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आप 6 महीने एडवांस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जुलाई में अप्लाई करोगे तो आप ये वीज़ा जनवरी में 6 महीने एडवांस अप्लाई कर सकते हो। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से जाइए और प्लीज़ 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 इस वीज़ा सर्च कीजिए, जाइए T5 अपने आपको ट्रेन कर लीजिए और देखिए कि आप भी किस तरह यूके में 2 साल का फ्री वर्क वीज़ा, जहाँ पर जॉब ऑफर भी नहीं चाहिए, और यूके आ सकते हैं और 2 साल जॉब के साथ साथ घूम भी सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर जॉब मिल जाती है तो यहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं वेबसाइट में government.uk है, जो बाइबल की तरह है, यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन आप लोग के लिए, तो प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए एज ए बाइबल की तरह। यूथ मिलिट्री स्कीम T5 मैंने पहले बताया कि अभी इंडिया ऐड नहीं, पर फिर भी इंडिया अगर ऐड होगा तो उनको भी सेम रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो एक कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया का लड़का लड़की करते हैं। बड़े क्लियरली लिखा है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि आप यूके में 2 साल रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, और आपकी एज 18 to 30 होनी चाहिए और आपके अकाउंट में 2530 पाउंड, जो कि रफली 2.5 लाख के पास होनी चाहिए। तो गाइज ये मीट अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आप 6 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो फीस है वो 240 में अराउंड 25,000 है। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, यू कैन स्टे अप टू यूके 24 मंथ्स, मतलब कि अगर आप जनवरी में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको जुलाई में आना है। वट यू कैन डू यू कॉन्ट डू, स्टडी फॉर सम कोर्स यू विल नीड, यू कैन वर्क इन मोस्ट वन, बी सेल्फ एम्प्लॉयड आप कर सकते हो, यू कॉन्ट डू वर्क एज ए स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, एक्सटेंड योर स्टेट्स, गेट पब्लिक फंड और ब्रिंग टू फैमिली मेंबर्स ऑन योर मेंबर, दे मस्ट अप्लाई सेपरेटली, जैसे आप अपनी वाइफ हस्बैंड को नहीं लेकर आ सकते हैं। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में क्या कहा गया, गवर्नमेंट यूके वेबसाइट जो बाइबल की तरह है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई सॉलिसिटर नहीं हूँ, वही शेयर कर रहा हूँ, और ट्रांसफर का जो पब्लिक डोमेन में आप लोग के ट्रस्टवर्दी वेबसाइट पर है। एलिजिबिलिटी, अभी कंट्री हमारे इंडिया नहीं है, आपने देखा इंडिया नहीं है, तो इसमें बताया कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको दिखाने पड़ेंगे फंड्स 2530
28 डेज एंड मस्ट बी द 30 डेज ऑफ अप्लाइंग फॉर द वीज़ा. तो 28 डेज में आपके पास फंड्स जो 2.5 लाख के पास होने चाहिए. तो गाइस थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मैं आपको इसका लिंक दूंगा. विश यू वेरी वेरी गुड लक. एंड प्लीज़ गाइस, अगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना. इतना मोटिवेशन कोई आपको फैमिली मेंबर ही दे सकता है. और वीडियो को दिल खोल कर लाइक कीजिए. तो ये था आज का वीडियो, बताना किसका लगा है. गाइज डोंट फील शाई, अपना नाम बताना. अगर 1-to-1 करना चाहते हो, सीवी रिव्यू करना चाहते हो, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर आकर अपना सीवी रिव्यू कर सकते हैं. कॉस्ट 1,000 रुपये में है. तो आई होप आपको मैं इंस्टाग्राम पर मिलूंगा, जहाँ बहुत से स्टोरीज डालता हूँ किसको जॉब मिल गया और आप में से एक लड़का जॉब ले गया है होटल इंडस्ट्री में और इंडिया से विदाउट एनी एजेंट गैरी टीवी चैनल पर. और प्लीज़ मेरा एक और चैनल है यूके का, इसका नाम है गैरी बैकपैकर, जहाँ बताता हूँ यूरोप में आप लोग किस तरह सेटल हो सकते हैं. आई होप आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे. ऑन द मीन टाइम गाइस, मैं शिमला में हूँ. प्लीज़ उसको शिमला का सब्सक्राइबर है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, मिलते हैं चाय पीते कैफे में. ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज़ स्टे सेफ, मेरे लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल.